हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमाशंकर एंड किरण ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज अब मैं जा रहा हूँ काली माता के मंदिर, जो मेरे पास से 1.5 किलोमीटर दूर है, और हम आप सभी को भी माता रानी के दर्शन कराएंगे। और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी थोड़ा मौसम ख़राब हुआ है, इस वजह से मैं अभी रुका हुआ हूँ। थोड़ी हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं, तो जैसे ही बंद होती हैं बूंदें, फिर हम आपको सब लोगों को माता रानी के दर्शन कराएंगे। और आप वीडियो में यूं ही बने रहिए। अब मैं जा रहा हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो चलते हैं फिर, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो पैदल ही निकलते हैं। ये देखो रास्ता जा रहा है मंदिर को, अभी चलते हैं हम। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ काली माता के मंदिर में, जो मंदिर इधर का प्रसिद्ध है। जो देखो दो, इधर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मंदिर में। क्या नाम है आपका? कृष्णा। अच्छा, कृष्ण क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा जी, कृष्णा है। और अच्छा, तुम्हारा नाम आचल है, और तुम्हारा नाम क्या है? हैप्पी। ये सारे लोग आए हैं मंदिर में, और चलते हैं मंदिर के अंदर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर, और आपको मंदिर का जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, और जो इधर की लाइट वाइट है सारा बहुत अच्छा से सजा हुआ है। पीछे हनुमान जी हैं। चलो आज हनुमान जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये हनुमान जी हैं। ये शनिदेव का स्थान है। ये शनिदेव महाराज की जय हो। और इधर जो शुक्र और शनिचर के कीर्तन होते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। ये बच्चे, छोटे छोटे भी बच्चे आते हैं इधर। आ जाओ, मैं आप सभी को शंकर जी के दर्शन कराते हैं। ये देखो शंकर जी हैं। इधर हम अक्सर आते रहते हैं इस मंदिर में, और भगवान से जो मांग उधर मुरादें पूरी करते हैं। जय शंकर जी। जो मंदिर इधर का बना हुआ है उसके हम आस पास का एरिया दिखा रहे हैं। ये मंदिर बहुत अच्छा सा बना हुआ है, और अच्छे से जो लाइटिंग इधर हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है, और इधर बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो सब लोग आते हैं, देखो अंकल जी आए हुए हैं। मैं एक इसकी परिक्रमा भी लगाता हूँ इस मंदिर की। इधर कीर्तन भजन होते रहते हैं। कभी मौका लगे तुझे चंडीगढ़ रोड से जंडियाली पिंड के लिए जो रास्ता जाती है उस पर पड़ता है। Sorry।
Bye.
वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से यहीं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इन सभी सिंगरों का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा और इनके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत अच्छे भजन कीर्तन करते हैं सभी लोग।